रायबरेली जिला स्तरीय मासिक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। रायबरेली में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन व बैठक में केंद्र सरकार मंत्री व अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी स्कूल में अनुप्रिया पटेल पहुंची, जहां उनके साथ उत्तर प्रदेश के कई विधानसभाओं के विधायक व अन्य नेता भी पहुंचे और इस दौरान महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल व अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया और बैठक में बूथ मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। राहुल पर तंज कसते हुए, पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो ओबीसी को भूल जाती हैं, विपक्ष में रहती हैं तो ओबीसी की याद आती है, ऐसे ताने मारे गए, ऐसी बातें कही गई। हमारे साथ ऐसा नहीं है। साथ ही कहा गया कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, पार्टी एनडीए गठबंधन का पुराना साथी है, गठबंधन का कोई ना कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, हम अपने संगठन को मजबूत करने आए हैं, ओबीसी कल्याण मंत्रालय का गठन होना चाहिए। जारी कर दी, उसमें 61% में बताया है कि बैकवर्ड के हालात ये हैं, एससी के हालात ये हैं। आपने बिहार की बात नहीं करनी है, आप उसे यूपी की। अच्छा, यूपी में क्या उस तरह के आंकड़े जारी होने चाहिए? नहीं, देश में आप मांग करें। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग। मैडम, अभी बड़ी बात कही है कि ओबीसी जो कार्यक्रम हुआ, इसको क्या माना जाए कि अपना दल यहाँ पे प्रत्याशी उतारेगा क्या? देखिए, अभी जो चुनाव हमारा 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, हमने इस जिले से अपने प्रत्याशी को उतारा था और जनता का बहुत अच्छा उनको समर्थन भी प्राप्त हुआ। फिलहाल 2024 के चुनाव के लिए निरंतर हर जिले में जाकर अपना दल जातीय जनगणना का पक्ष है, ये बात मैं कितनी बार दोहराऊं, अभी तो बोला मैंने। मैडम, एक आपने कहा है कि हम सदन के बाहर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।